नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, पूरी जानकारी आपके साथ ये साझा करेंगे। दिल्ली चुनाव प्रचार से लौटे नेता, अब हिमाचल में करेंगे मतगणना का इंतजार, पूरी खबर आपके साथ ये साझा करेंगे। धर्मशाला में 4 दिसंबर को बीजेपी की मीटिंग, जी हां, धर्मशाला में 4 दिसंबर को बीजेपी की मीटिंग होगी, पूरी खबर आपके साथ ये भी साझा करेंगे। भाजपा नेताओं की नड्डा से दिल्ली में मुलाकात, जी हां, भाजपा नेताओं ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, पूरी खबर आपके साथ ही साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसडी न्यूज को साथ भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन हर खबर से आपको रूबरू करवाते रहें। दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार में गए हिमाचल के नेता अब लौट आए हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ये नेता अब हिमाचल में रहकर ही मतगणना के दिन का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार शाम को राजधानी शिमला पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 2 दिन पहले शिमला आ गई थी। समुद्र तल से 17,490 फीट की ऊंचाई पर स्थित फ्रेंडशिप पीक में 19 नवंबर को हिमस्खलन होने के बाद लापता हुए शिमला के पर्वतारोही आशुतोष का 15 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है। समय गुजरने के साथ ही उसके मिलने की उम्मीद टूटती जा रही है। मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन को रोक दिया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ संस्थान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम करेंगे। संस्थान में सत क्लब का गठन किया जाएगा। इस क्लब में बीटेक, बीआरक, दोहरी डिग्री, एमटेक, एमबीए, एमएससी और पीएचडी के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। हमीरपुर जिला के धनेटा बाजार में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण के मामले की आखिर राजस्व विभाग ने निशानदेही की तारीख निश्चित कर दी है। बाजार में काफी जगहों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं और यहां लंबे समय से जारी है, इन्हें हटाने की मांग बार बार उठती रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं। सभी राजनीतिक दलों को इन नतीजों का इंतजार है। इससे पहले भाजपा ने 4 दिसंबर को मंथन के लिए बैठक बुलाई है। धर्मशाला में होने वाले इस बैठक में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भाग लेंगे। हिमाचल के ऊना जिला के विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में शाम 4 बजे के करीब एडीसी काजा जिला लाहौल स्पीति अभिषेक वर्मा ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश निभाया। इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारियों ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई और मां के दरबार में उनकी हाजिरी लगवाई। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रदेश भाजपा नेताओं ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में उनके घर पर मुलाकात की। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्बाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव भारद्वाज के साथ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। सभी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले जगत प्रकाश नड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के नसोगी गांव में वर्षों से रह रहे दिल्ली के सचिन शर्मा ने ट्रेल रेस में नया कीर्तिमान बनाया है। एवरेस्टिंग नामक ट्रेल रेस में उन्होंने लगभग 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक रेस लगाई। नसोगी से लामादू के लिए वह सुबह निकले और पूरा चलते रहे। सुबह तक उन्होंने कुल 13 चक्कर लगाकर चुनौती को पूरा कर लिया। हिमाचल में जिला कुल्लू के ऐतिहासिक गांव मलाना के साथ लगते अतोदंग में एक मकान जलकर राख हो गया है। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जाने नुकसान होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मकान मालिक को इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने की सूचना है। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला के चुरा वन में अवैध रूप से देवदार के पेड़ों को काट दिया गया है। ऐसा करने वाले ठेकेदार को वन विभाग ने 17 लाख की पेनल्टी लगाई है। वहीं विभाग ने जंगल में उसके प्लॉट को भी सील कर दिया है। इसके अलावा काटी गई इमारती लकड़ी को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत, हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।